What the hell is that? और ये हम क्या देखने को मिल रहा है यार? I want to keep potential paradoxes to a minimum. मोनिका जिंदा है? How's your progress on the weapon? We're close to a breakthrough. We should be able to send back a working prototype on the next connection. Excellent. Years of scientific progress in less than 30 days. Not for me. Patience. It'll be worth it. On that note, I have good news. Our guest finally agreed to help. Remember what's riding on this. Easy, Doc. Deal's a deal. I'll do my part. Clint? तो भाई मैंने आपको बताया था ना क्लिंट नाउ नो ये मोनिका के पास चला गया फ्यूचर वाली मोनिका के पास चला गया यार इतनी सुपर विलन है बहुत ज्यादा सुपर 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 विलन है और ये देख के अभी कहा गया है फॉल बैक यानी कि पीछे हो जाओ ना मुझे लगा ही था कोई सिंसियरिटी यहाँ आ गया होगा चलो मार दिया सिंसियरिटी को और ये यार ये जो लेजर मारते हैं ना ये बेकार है तो लगभग हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के करीब 80% हो चुका है गाइस हल्क स्मैश कर रहे हैं और यहाँ से ये बंदा आप पे अटैक कर रहा था और ये क्या बड़े से सिंथेटिक आ चुके हैं यार यहाँ पे इन सबको तोड़ना होगा अब पीछे से अटैक कर रहा था ये ले डाउनलोड कंप्लीट अपलोडिंग सर्वर वायरस वाइपिंग रिकॉर्ड्स रिसीविंग द ब्लूप्रिंट्स नाउ हे वी गॉट व्हाट वी नीडेड लेट्स गेट आउट ऑफ हियर राइट बिहाइंड यू तो कैसी है मेरी YouTube फैमिली उम्मीद करता हूँ सारे भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और भाई लोग बढ़िया ही रहना फ्रेंड्स स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का मार्वल एवेंजर्स के एक और नए एपिसोड में तो हालांकि अभी हमारी जो चल रही है सीरीज़ उसका नाम है पार्ट टू टेकिंग एम और ये लगभग हमारी 40% कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि लास्ट एपिसोड में क्या होता है कि एक मीटिंग के दौरान ये पता लगता है कि क्लिंट को गायब कर दिया गया है क्लिंट किसी टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में पहुंच चुका है और क्लिंट कोई और नहीं यार हमारे होकाए हैं और केट बिशप जो हैं इस वाले एपिसोड की या इस वाले पार्ट की एक तरीके से कहेंगे कि लीड कर रही हैं मिशन को और हमें ये पता लगा था लास्ट एपिसोड में कि जो टेकियन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे यानी कि जिस मशीन के ज़रिए क्लिंट को टाइम ट्रैवल करवाया गया है उसके डॉक्टर टैक्स जो हैं एक डॉक्टर गेट्स हैं उन्हें हमने पकड़ लिया है लास्ट एपिसोड में तो अभी हम चलते हैं उसके आगे की कहानी पता लगाते हैं और ये पता लगाते हैं कि टेकियन प्रोजेक्ट्स पे बारे में हमें और क्या क्या जानने को मिलेगा और हम क्लिंट को कैसे वापस ला सकते हैं सो लेट्स एंजॉय द गेम प्ले सो गेट्स हाउ आर यू लाइकिंग द अकोमोडेशंस डिड यू कम हियर जस्ट टू ग्लोट आई डिड बट यू नो वी कैन कट टू द चेस इफ यू वांट मरिया डॉक्टर गेट्स वी आर वेल अवेयर ऑफ योर पोजीशन इन एम्स ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर रेफरिंग टू माय डिमोशन It's a jealous vendetta by that Rappaccini harpy. Ooh, so Monica's not happy with you either, huh? She didn't appreciate your little tachyon disaster, did she? I never mentioned tachyon. Oh, come on, dude. The storms, massive radiation spikes. It's your work, isn't it? Was. My work was never this unstable. What Rappaccini's doing is reckless, suicidal. Now, get me a lawyer. Ooh, yeah, don't think so. It doesn't really matter, though. I already scanned your, facial structure. A little 3D hard light simulation in your security systems will think my Getz decoy is the real thing. I can see why Rappaccini was so interested in you. Your skills are impressive. What do you mean, interested? She's quite taken with both you and the other Hawkeye. It's a shame you chose the wrong side. Feeling like I made the right choice from here? You know, outside the prison cell? We're done. Guards. Don't let them get to you. These guys always try to mess with your head. Yeah, maybe, but I still need to look into this. If AIM was keeping tabs on Clint, I need to know what they have. Well, we can help. You guys made your priorities clear. Clint wasn't on the list. You know what, I get it. The Avengers have a world to save, you can't just drop everything. But I'm not giving up on my friend.
I'll be back soon. Nice shot. Yeah, well, it's all in the breathing, and a bunch of other steps. I guess I know why you're here. Either I'm in trouble, or... We owe you an apology. We all made mistakes, and that meant we weren't there for you when you needed us most. Cap, you were taken prisoner. You've got nothing to apologize for. Yes, I do. I didn't prepare the team to go on without me. Also, I should have made this official a long time ago. You've proved you're an Avenger, Kate. If you'll have us. When I was a kid, I dreamed of hearing you say that. I also dreamed of flying a plane made of gumballs. I'm hoping that's a yes. I'll give it a shot. गाइज 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 बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि अब हमारी जो हीरोइन है केट बिशप, ये भी एक एवेंजर का हिस्सा बन चुकी हैं फाइनली, क्योंकि आज इन्हें कैप्टन अमेरिका ने बता दिया है कि तुम एक एवेंजर हो और तुम अब हमारे प्लेन्स वगैरह भी उड़ा सकती हो। तो यार बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है। और देखो सारे एवेंजर यहाँ आ भी गए हैं। ये रहे कैप्टन अमेरिका, ये रही कमाला खान, और आई थिंक अभी हमारी टोनी से बात हुई थी, तो टोनी भी है हमारे साथ। तो चलो चलते हैं हम लोग अपने नए मिशन की तरफ और पता लगाते हैं क्लिंट कहाँ खो गए हैं। तो हालांकि अभी जो इस एपिसोड में हमें देखने को मिला उससे हमें यही पता लगाया फ्रेंड्स कि डॉक्टर गैट्स किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, और जो क्लिंट है उसे भी इन लोगों ने अगवा किया है या फिर यूज़ किया है प्रोजेक्ट पर। और जो रपचीनी है यानी कि जो मोनिका है वो अभी भी ज़िंदा है और वो न जाने क्या क्या करेगी अब एवेंजर्स से बदला लेने के लिए और एवेंजर्स की इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए। यो डॉक्टर पिम, आई हियर यू हैव गॉट न्यूज़ अबाउट आवर टैकियन सिचुएशन। या द गुड काइंड, थैंक्स टू योर एफर्ट्स आई हैव सक्सीडेड इन लोकेटिंग द ओरिजिन ऑफ द टैकियन स्टॉर्म्स। दीस पॉकेट्स ऑफ अनस्टेबल टाइम आर ऑल एमिनेटिंग फ्रॉम वन सेंट्रल पॉइंट। ओह, somewhere nice, I hope. Spain, Italy, Wakanda. Not quite. We traced the disruptions to an AIM black site near a hydro dam in Siberia. Oh, mysterious. I like it. So if we shut down this facility, does that mean we'll stop all these time disruptions from happening? Tachyons are highly unstable. Let's see what we're dealing with first. All right. Recon it is. You, sure you want me leading this, Cap? You know more about this situation than anyone. I trust you. And if you're ever not sure what to do, just listen to your instincts. They've served you well. That means a lot. Thanks, Cap. Let's do this. तो गाइज अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं अपने एक प्रोजेक्ट पे जाने के लिए। लेट्स गो देयर टू साइबेरिया और उधर जाके पता लगाते हैं टैकियन स्टॉर्म कर क्या रहे हैं। तो लॉन्च करते हैं हम मिशन। 1, 2, 3, लेट्स गो टू क्विंजेट। We're approaching the hydro dam. You have a plan, Kate? I just figured we'd wing it. What? I'm joking, dude. Have a little faith. Okay, we take out the comm tower first, then sneak in and inspect their safety violations. The plan was simple. जाएंगे, स्निक इन करेंगे, उनके सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ेंगे और हाइड्रो ट्रैम से पता लगाएंगे कि वो जो है टैकियन स्टॉर्म्स वो कैसे दिखते हैं, क्या है और उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो इन्हीं सभी बातों का पता लगाएंगे आज हम लोग इसी एपिसोड में। और हाँ, क्लिंट कैसे खो गया है इस बात को लेके केट बिशप बहुत ज़्यादा परेशान है और वो चाहती हैं कि वो क्लिंट को जल्द से जल्द ढूंढ सके। इसमें एवेंजर्स की टीम उनका साथ दे रही है बिकॉज अब केट बिशप भी एवेंजर की टीम का एक हिस्सा है और हॉकाय तो थे ही, तो हॉकाय को ढूंढना भी इनका ही एक फ़र्ज़ बनता है सारे एवेंजर्स के मेंबर्स का। तो अभी ये लोग जा रहे हैं और पता लगाएंगे, इसकी तय तक पहुंचेंगे कि क्या कारण है कि क्लिंट कहाँ पे भेज दिया बेसिकली। सो चल के देखते हैं गाइस, लेट्स गो टू साइबेरिया रशिया। हियर वी कम। वाओ, लुक एट द स्काई, दैट कांट बी गुड। The tachyon disruptions are affecting the atmosphere. Okay, so what am I looking at? Past and future sky? More like
radiation trails. Oh, good. I feel much better about going outside now. Okay, where to first? सो लेट्स गो गाइस, अभी हमें लोकेशन का पता ही है जहां हमें जाना है और पता लगाना है कि जो आप आसमान में देख रहे हो ये बेसिकली साइड इफेक्ट्स है उस टेकन प्रोजेक्ट्स के जिसकी टेकन स्टॉर्म्स की बात की गई है। और ये क्या आ रहा है भाई, ये क्या था? The closer you get to the origin point, the stronger the disruptions get. They're radiating out of that place like waves. Listen, be careful down there. Tachyon exposure isn't usually lethal, but I've never encountered levels like this. Wait, not usually lethal? You're not helping, man. I'm monitoring your vitals from here. You're fine. Then lead with that. भाई डॉक्टर पिम से हमारी बात हुई थी अभी और उन्होंने हमें बताया है कि जैसे जैसे हम करीब आते रहेंगे ओरिजिन पॉइंट के जहाँ से ये टेकियन स्टॉर्म निकल रहे हैं तो हमें डिसरप्शन देखने को मिलेगा और उसकी वजह से हमें नुकसान भी पहुँच सकता है क्योंकि वो एक लाइक फॉर्म के अंदर आ रही है वेव फॉर्म में, वो कोई अटैक कर रहा है बच गया मैं। तो गाइज अभी हमें पता चल चुका है कि हमें यहाँ से फटाफट निकलना होगा और जो डॉक्टर है ना वो क्या कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं डॉक्टर पिम। डॉक्टर पिम जिनको नहीं पता भाई मैं बता देता हूँ आप लोगों को, डॉक्टर पिम कोई आम इंसान नहीं है। डॉक्टर पिम एंट हिल पे अभी बेस बना के रह रहे हैं और ये डॉक्टर जो हैं मैं आप लोगों को बता रहा था, इन्हीं को कहते हैं एंट मैन। और एंट मैन के बारे में किसे नहीं पता यार, वो एक ऐसे एवेंजर हैं जो कि छोटे हो सकते हैं और बड़े हो सकते हैं, तो बहुत ही कमाल के एवेंजर हैं वो यार। इस जगह को खोलना चाह रहा था मैं, कैसे खुलेगी? हाँ तो कहाँ थे भाई हम डॉक्टर पिम के बारे में बता रहे थे कि डॉक्टर पिम ने हमें बोला है कि हमें फटाफट यहाँ से कुछ जो पावर कोर्स है उन्हें डिसेबल करना ताकि वो इनके नेटवर्क में घुस सके। तो चलो फोकस करते हैं मिशन पे, लेट्स गो। टेलीपोर्ट करके दिखाऊंगा गाइस, ये देखो आ गया ना मज़ा। चलो यही है सैटेलाइट, आप देख सकते हो ऐसी तीन है, ये तीनों के तीनों मिला के टेकियन प्रोजेक्ट को चला रही हैं। तो अभी हम इन तीनों कोर्स को, पावर के जो कोर्स है बड़े बड़े, इन्हें हमें तोड़ना होगा। सो लेट्स डू दिस। बहुत बढ़िया, इसे बाहर निकालते हैं, ये इससे चल रहा है तो इसी मेन चीज़ पे अटैक करते हैं ना गाइस। बच गया भाई, बच गया, बच गया, बच गई मतलब केट बिशप। और ये लो अटैक करते हैं इन पे, इनके भी हालत ख़राब कर देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, इसे बाहर निकालते हैं और इसे भी तोड़ते हैं। तोड़ने में भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि स्वॉर्ड से खेलने को पहली बार मिल रहा है इस गेम के अंदर। आज अभी तक हमने स्वॉर्ड से नहीं खेला था और स्वॉर्ड से खेल के ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये टेलीपोर्ट कर रहे हैं ना, अब हम भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बाहर निकाल लिया, फाइट करते हैं। ओ ओ बम फेंक रहे हैं, बम 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 बम, बच गए बच गए, तोड़ दिया। Seems AIM security is already on high alert. What? क्या? अभी ये क्या हुआ? AIM की security high alert पे लग गई? They don't know you're here. Something else must have tripped their sensors. किसी और चीज़ ने उनके sim sensor को activate कर दिया? They're blocking your path to the facility. Not for long. तो ये लोग हमारे facility पे जाने का रास्ता रोक रहे हैं, but ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा Kate Bishop का कहना है। और मुझे जहाँ तक लगता है मैं सहमत हूँ Kate Bishop से। Kate Bishop आप तक तो बहुत सही अटैक कर रही है, देखो स्किल्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है इसकी। टेलीपोर्टेशन कर सकती है ये लड़की और उसके साथ साथ ये एरो चलाती है, उसके साथ साथ स्वॉर्ड भी ऐसे चलाती है और मज़ा ही आ जाता है भाई खेल के। तो ये देखो asset secure. No sign of the others, doctor. Looks like Monica's got other problems tonight. तो लगता है मोनिका को यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। Well, if you can clear them out, I'll be able to analyze the wreckage. Oh, twist my arm. और रोबोट्स आ गए, हुआ क्या है यहाँ पे इस साइड पे, पता लगाना पड़ेगा लगता है।
ये डैम आप देख रहे हो इसी को हाइड्रो डैम कहते हैं, मतलब पानी का डैम, हाइड्रो एनर्जी बनती है यहाँ से। राइट, तो अपने को फाइट लेनी चाहिए क्या? डिफीट ऑल एम, डिफीट द एम पेट्रोल टू स्कैन द। अच्छा, तो ये जो बड़ी सी आप मशीन देख रहे हो इसे कहते हैं रैकेज, और इसको हमें लाइक स्कैन करना है कि यहाँ क्या हुआ। उससे पहले हमें जितने भी ये एम के गुंडे बदमाश आपको रोबोट्स देखने को मिल रहे हैं, इन सब से हमें फाइट लेनी है, सबको हमें किल करना है। तो करते हैं, बहुत अच्छा किल भाई, बहुत अच्छा मूव। ये देखो हाइड्रो पावर मार रही है और लगभग मुझे लगता है बड़ा वाला जाइंट रोबोट गया। बहुत बढ़िया, गया गया गया। इस वाले को लेते हैं। गायब होके टाइम, मतलब टाइम ट्रैवल तो नहीं से कहेंगे, टेलीपोर्टेशन, जो कि हम भी कर सकते हैं। ये लो पावर, मुझे लगता है मैंने अपने जैसी एक और केट बिशप को निकाल दिया पावर से। चलो इसे मारते हैं, ये लो तबाही मचाएंगे। ये रही दूसरी केट बिशप और उसने एरो मार के खत्म कर दिया। ऑल क्लियर। या दिस बिग गाय वाज डाउन रिसेंटली, लुक्स लाइक इट वाज सेंट टू इंटरसेप्ट सम एस्केप्ड प्रिजनर्स। दैट एक्सप्लेन्स द हाई अलर्ट। The facility is just over that ridge. All the tachyon readings originate from that location. That alert isn't going to make security any lighter. Maybe we can sneak in. Oh, ye ek fir se aa gaya. Bach gaye. Another shockwave. तो ये शॉक वेव आती रहेगी गाइस। और अभी हमें डॉक्टर पिम ने बता दिया है कि वो जो रैकेज थी वो प्रिजनर्स को लेके जा रही थी, बट वो पता नहीं किसी वजह से यहाँ स्टॉर्म, हाँ स्टॉर्म आया था ना, उस वजह से जो ये स्टॉर्म कह रहा हूँ यार, शॉक, जो ये शॉक वेव अभी हमने देखी थी, ऐसी उसने शॉक वेव ने इस बड़ी सी मशीन को, जॉइंट मशीन को तबाह कर दिया। तो अभी हम लोग चलते हैं इस फैसिलिटी में, आराम से स्नीक इन करते हैं। यहाँ से हमें कुछ ना कुछ तो जानने को मिलेगा, और ये टेकन प्रोजेक्ट किस पे काम कर रहे हैं वो भी देखने को। ओ भाई कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार, ये देखो ऊपर चांद भी बना रखा है इन लोगों ने, अमेजिंग। देख के मज़ा आ गया भाई। ये एम की बिल्डिंग को तोड़ना है और अंदर घुसने का रास्ता ढूंढना है। तो पूरी बिल्डिंग तो नहीं तोड़ेंगे, बस अंदर घुसने का रास्ता मिल जाए हमें। चलो तो मुझे लगता है यहाँ से हम खड़े रहेंगे तो हम इस सर्वर को हैक कर पाएंगे, और अंदर जाने का रास्ता है ये सामने। बट उससे पहले मुझे लगता है ये आ गए। ओह क्या देखने को मिला, कमाला ने कैसे पकड़ा उसे, मज़ा आ गया गाइस। एकदम से ऐसे लंबा हाथ करा और मारा। तो भाई अभी हमें यहाँ पे जितने भी रोबोट्स आ रहे हैं इन सबको किल करना होगा एक एक करके, और उससे क्या होगा हम अपना अंदर जाने का रास्ता सिक्योर कर लेंगे। बट मुझे लगता है ये लोग, ये रोबोट नहीं चाहते कि हम ऐसा कुछ करें, तभी ये हमसे पंगा लेने आ गए हैं। और हमें इस गोल चक्र से बाहर नहीं जाना, जो ये गोल सर्कल आप देख रहे हो, इसी के अंदर रह के फाइट करनी होगी, तब भी हम लोग इस सिक्योरिटी के अंदर जा पाएंगे, फैसिलिटी के अंदर। ओ भाई नहीं, हालत ख़राब हो गई। मैं हेल्थ लेके आ रहा हूँ एक मिनट में। चलो थोड़ी तो हेल्थ आई। अरे रोबोट रोबोट रोबोट, पंगे लोगे। ये लो, चल ख़त्म। अब मुझे अकेले को यहाँ, यार इतने सारे दूर दूर से मारते हैं ना, ये लेज़र मार रहा है ना, इसे मारता हूँ पहले। लेज़र मारोगे ये? अब इन रोबोट्स को निपटा देते हैं, यहाँ आने से पहले ही निपटा देते हैं यार। गाइस क्या कहते हो, यहाँ आने नहीं देते, यहाँ आएंगे तो दिक्कत क्रिएट करेंगे। बच गया। अबे यार तो पीछे से कैसे आ गया? चल अबे यार, यही तो इनकी दिक्कत है कि एक को मारते हैं दूसरा आ जाता है, इधर से भाग के एक और आ जाता है, कोई लेज़र से गन मार देता है, जैसे इनने मार दिया। अभी बच गए हम। किधर है रोबोट्स? कमाला बहुत अच्छे से फाइट कर रही है वैसे गाइस, कमाला की फाइट देख के मज़ा आ गया। बहुत अमेजिंग किल है भाई ये वाला। यार ये क्या है,
एबिलिटी है इनके पास। चलो अभी यहाँ पे क्वांटम ओवरराइड हो चुका है, अब बट हमें यहाँ से किल करके सारे जो ये भी गुंडे बदमाश हैं एम के, और हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो इधर से मारेंगे ना हम भी, कहाँ हैं? चलो सब मर चुके हैं और हमें अंदर जाना होगा, डॉक्टर पिम सिस्टम के अंदर घुस चुके हैं। लेट्स गो टू द इनसाइड ऑफ दिस बिल्डिंग, लेट्स गो इनसाइड ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं गाइस। आ जाओ सारे एवेंजर्स, फॉलो करो केट को, क्योंकि केट इस मिशन को लीड कर रही है गाइस, और हमें लगता है कि हमें इधर जाना है। तो चलो चलते हैं इस एलिवेटर के अंदर और नीचे चलेंगे। सारे एवेंजर्स असेंबल। Find anything unusual in their system, Jarvis? I'm detecting highly concentrated energy signatures at the very bottom of the facility. Sounds like our tachyon target. It would be at the bottom. तो अभी हमें पता लगा है कि हमारा जो टेकियन प्रोजेक्ट है वो नीचे चल रहा है, क्योंकि जार्विस को नीचे से बहुत ज़्यादा हीट सिग्नेचर देखने को मिल रहे हैं। तो अभी चलते हैं नीचे। तो लगता है हम लोग पहुंच गए हैं नीचे, जिधर से टैकियन प्रोजेक्ट के बारे में हमें और ज्यादा पता लगेगा। Whoa, things are not okay. और ये क्या है? Jarvis, what are we dealing with? Pockets of abnormal gravity. These vents are connected to a room on the lower floor. I won't be able to break encryption. They're using actual keys. तो अभी लगता है हमें नीचे जाने का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। और ये क्या देखने को मिल रहा है? ये क्या चीज़ निकल निकल के आ रही है यार ज़मीन के अंदर से? मतलब ये कुछ लगा रखा है इन्होंने, लगता है ट्रैप व्रैप तो नहीं है? हट जाओ कमाला वहाँ से। बच बच के हम आ तो गए हैं आगे, थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। यार कुछ भी को फैसिलिटी तो बहुत ज़्यादा तगड़ी बना रखी है इन लोगों ने। ये रोबोट्स आ चुके हैं यहाँ पे फाइट लेने के लिए। नहीं मैं नहीं जाऊँगा नीचे, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं भाई। उधर वहाँ से लेज़र वेज़र पता नहीं क्या क्या निकल रही है, हम क्यों जाएँ उधर खामा खाई में? हमें नहीं जाना। चलो इसे हम किल कर देते हैं। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। लेट्स गो, एक और नया शिकार सामने है। मारो इसे। तो अभी एक दोबारा और हमें टैकियन की वेव को महसूस करना पड़ा अभी, बट अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। और टैकियन प्रोजेक्ट देख ही सकते हो आप कितना खतरनाक है, सारा का सारा एम का सेंटर है। एक और फैसिलिटी है उनकी। Okay. There's an employee with the keys you need. you're up, Kate. तो अभी हमें की लेनी होगी, और की लेने के लिए पहले इसे किल करना होगा, बड़े से जाइंट रोबोट को जो हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है। ऑल राइट, तो मैंने अपनी सुपर पावर ऑन कर ली है ताकि हम इसे जल्द से जल्द मार सकें। और देख रहे हो एरो पे एरो, मतलब मैं रुक ही नहीं रहा यार। केट बिशप रुक ही नहीं रही, कंटिन्यूस फाइट कर रही है भाई, मज़ा आ गया। और ये रोबोट अब छोटा हो गया, ये हुई ना बात। इतना बड़ा था तो भाई मारने में थोड़ी सी मुश्किल। अब हम नॉर्मल हो चुके हैं, बट हमने इसे बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया है, लगभग ख़त्म ही कर दिया है। देखा, तो अभी हमें कीज मिल चुकी हैं। एलिवेटर को बॉटम फ्लोर पे लेके जाना है। चलो आ जाओ एवेंजर्स, कम फास्ट। रीडिंग्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, दिस इज इट, यू रेडी? नो आइडिया, सेम। हियर वी गो। तो अभी हम चलते हैं नीचे, और लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइट होने वाली है। चलो दरवाज़ा हमने खोल दिया, और अभी चल के देखते हैं।
और आगे से रोबोट्स आ रहे हैं और हमें इन्हें मारना होगा। भाई ये बड़े रोबोट्स हैं, मुझे लग रहा है हमें इन्हें मारने के लिए ना कुछ एबिलिटी यूज करनी होगी। और ये तो ब्लॉक करके खेल रहे हैं यार, इन्हें मारना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा। कमाला खान ने भाई पड़े होके मजा कर दिया यार, मार दिया इसने सबको। ये हुई ना बात। तो रूम जो आगे है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है, ऐसा हमें डॉक्टर पिम ने बताया। तो चल के देखते हैं अंदर क्या है। What the hell is that? और ये हम क्या देखने को मिल रहा है यार? मोनिका जिंदा है? How's your progress on the weapon? Excellent. Years of scientific progress in less than 30 days. Well, not for me. Patience. It'll be worth it. On that note, I have good news. Our guest finally agreed to help. Remember what's riding on this. Easy, Doc. Deal's a deal. I'll do my part. Clint? तो भाई मैंने आपको बताया था ना, क्लिंट। Now. No. ये मोनिका के पास चला गया, फ्यूचर वाली मोनिका के पास चला गया यार। इतनी सुपर विलन है ना, बहुत ज्यादा सुपर 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 विलन है। और ये देख के अभी कहा गया है फॉल बैक, यानी कि पीछे हो जाओ। तो गाइज अब भी हमें एक चीज का पता लग चुका है कि फ्यूचर मोनिका के पास हमारे क्लिंट है। I don't know why the hell he'd be working with Monica, but I know Clint, okay? He has a reason and we need to figure out what it is before we start wrecking things. Let's get to the anthill. तो अभी हमें एंटहिल चलना होगा, चलो चलते हैं भाई। तो डॉक्टर पिम से भी बात करनी होगी यहाँ पे कि वो कहाँ ले गई है उसे, मोनिका फ्यूचर मोनिका के साथ कहाँ गए हैं क्लिंट। Do you know what that thing was? It's a, well, basically it's a bridge through time. I've done research on the concept before, but until now, nobody's been foolish enough to actually try it. Okay, and that's the source of these tachyon disruptions? Whatever she's sending through time is, yes. And if we don't stop them, the storms will eventually tear reality apart. We're talking about time collapsing in on itself. They'll be locking down security after our break-in. But I have an idea. We're gonna build another time bridge. Did you not just hear me say tearing reality apart? Messing with time is a bad idea. Exactly. So we are gonna fix it. We're gonna go get Clint out of the wrong timeline, cut Monica off from her future self. That would stop the storms, right? That's still messing with time. That might work. I'll need a few things, but you know what? Maybe. Okay. First, we'll need everything you can get on Monica's time bridge plans. Blueprints, records, everything. Shield's intel points to an AIM data center in Siberia. It's our best shot. तो गाइज अभी क्या हो रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, कि अभी जो हमारी केट बिशप है यानी कि जो हॉकाई है, अभी हॉकाई ने बताया कि हम क्लिंट को वापस कैसे ला सकते हैं। और क्लिंट को लाने के लिए हमें मोनिका की तरह एक टाइम ब्रिज को बनाना होगा, जिस तरह मोनिका ने उस टाइम ब्रिज की मदद से फ्यूचर सेल्फ में अपने आप को और एडवांस कर लिया है। तो हमें क्या करना होगा, आइडिया ये है कि हम जाएंगे एक ऐसा ब्रिज बनाएंगे और जो क्लिंट है उसे लेके आएंगे वापस इसी टाइमलाइन में, और जो मोनिका है उसे फ्यूचर वाली मोनिका को मार देंगे। यही एक तरीका है जिससे कि हम रोक पाएंगे इन सब कुछ होने से। तो इस बात पर डॉक्टर पिम कहते हैं कि एक काम, ओ ये क्या, अच्छा एंट है बड़ी। तो इस बात पे हमारे डॉक्टर पिम कहते हैं कि तुम एक काम करो, हमें एक साइबेरिया में एक लोकेशन का पता चला है, वहाँ पे जाके तुम जितने भी ब्लूप्रिंट्स तुम्हें मिलेंगे उस ब्रिज को बनाने के, वो सब लेके आओ। उस ब्रिज से रिलेटेड जो भी इन्फो तुम्हें वहाँ मिले, जो भी काम की हो सकती है, वो सब लेके आओ।
तो यार गाइज हमें जाना होगा और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके आनी होगी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तभी हम एक और टाइम ब्रिज बना पाएंगे डॉक्टर पिम की इस एंट हिल के अंदर, और फिर उसकी मदद से हम जाके, जैसा कि मैंने भी बताया था, अपना प्लान वो करेंगे। तो चलो चलते हैं अभी सीधा डॉक्टर पिम के पास। पिम कह रहा हूँ, साइबेरिया जाना होगा हमें, और साइबेरिया से जितने भी हमें उस चीज़ से रिलेटेड जो भी जानकारी मिलेगी वो हमें लेके आनी है कि हम अपना टाइम ब्रिज कैसे बना सकते हैं। So, what are the chances you can actually build this time bridge? Up until now, I thought it was impossible, but Monica seems to have cracked it somehow. Well, we're about to find out how. Better do this quietly. We don't want AIM interrupting us while we're pilfering their files. Into the cold we go. Again. तो अभी डॉक्टर पिम से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि तुम्हें ये लेके आना पड़ेगा। जितने भी वहाँ से फाइल है वो लेके आनी पड़ेगी, और थोड़ा आराम से जाना ताकि किसी को पता ना लगे। सो लेट्स गो। We're gonna break in without raising the alarm. We're gonna need to swipe some credentials. Can you find us a target? Intercepting AIM communications. Patrol Delta got lost in a snow squall. Waiting for them to regroup, then we'll head back. Hurry up. Dr. Rappaccini wants extra security in the data center. Hulk, देख रहे हो कैसे लग रहे हैं गाइज? तो अभी चलते हैं फटाफट यार, और रपाचीनी के जो वो प्रोजेक्ट है सीक्रेट, उसके बारे में जो भी मिलेगा सब लेके निकलते हैं यहाँ से। तो मुझे लगता है एम के रोबोट्स हैं यहाँ पे, मारना होगा ना। चलो ओके, तो इससे पहले कि औरों को बताया हमें ने मारना होगा, चलो मारते हैं। फाइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है भाई अब गाइस, ऐसा लग रहा है मुझे, और ये सच है। चलो हमें फाइट नहीं लेनी ज़्यादा यार, हमें निकलना है यहाँ से बस। Yeah, sorry. Just thinking about what we saw. Clint working with AIM. I trust him. I just wish I knew what he was planning. यहाँ से चलो ले लेते हैं यार काम की चीज़ें। खोल दिया हमने इसका दरवाज़ा, अंदर चलना होगा। रिसोर्सेस तो लेने दे रोबोट। चलो अब यहां से निकलते हैं। अरे इन सिंथेट से हमें नहीं लड़ना, हमें तो उस फाइलें चुरा के निकलना है। I think I can see an entrance through the center. Defeat AIM agent and retrieve their access code. ठीक है, डिफीट कर देंगे, एक्सेस कोड भी ले लेंगे।
बहुत सारे रोबोट्स हैं यहाँ पे। ऊपर चढ़ने का रास्ता तो ढूंढना होगा ना, मैं तो भूल ही गया था टेलीपोर्ट भी कर सकती है। आयरन मैन का बढ़िया है भाई, आयरन मैन तो उड़ के आ गए होंगे यहाँ पे। ओ हल्क भी आ गए यहाँ से चढ़ के। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हल्क ऊपर चलना है, यहां से चले जाएगा टेलीपोर्टेशन। सिंथियोइड को मार दिया, दो तीन को, ओ हल्क ने भी मारा। ये मोनिका पे अटैक करने, मोनिका कह रहा हूँ यार सॉरी, नताशा पे अटैक करने वाला था, हमने उसे भी मार दिया। अब यहां से ऊपर जाना होगा। बहुत बढ़िया, रिसोर्सेस खत्म, मजा आ गया भाई। मुझे लगता है यहीं से हमें एक्सेस कोड लेने हैं। चलो मिल गया एक्सेस कोड, अब हमें जो टाइम ब्रिज है उसके बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। Ahead of you lies a forest. Go through it and you'll reach AIM's data center. I wonder how much they're hiding up here. AIM wants to stay in the public's good graces. Anything remotely controversial gets put out of the way. I think time travel qualifies. Those blueprints have to be inside. तो अभी हमें blueprints लेने हैं और blueprints मिलेंगे उधर सामने। तो चलो चलते हैं। So does this thing have a name or is it just time bridge? That's not a name. It's just what it is. A bridge through time. Sure, yeah, but I'm just saying, you could have named it like the temporal megascape. You can call it that. World-ending portal to the future. Or, no, it's not much better. मजाक कर रही है यार, ये मजाक कर रही है। Quick. We don't want AIM blocking those credentials. मजाक ये कर रही है कि तुमने उसका नाम टाइम, जो वो बड़ी सी चीज है, जो ब्रिज था उसका नाम तुमने टाइम ब्रिज ही क्यों रखा? कुछ और भी तो कह सकते थे, मतलब कि खतरनाक अजीब सा। तो इस बात पे डॉक्टर पिम कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। चलो अब इस रोबोट को मारते हैं और फटाफट यहाँ से जो भी ब्लू प्रिंट्स हैं वो लेके निकलते हैं। चार चार रोबोट आए हैं, चारों चारों को मारना होगा। बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ गया खेलने में। बड़े वाले रोबोट को मारना है ना। चलो ओ भाई साहब, मजा आ गया इस वाली पावर अटैक में तो। खत्म खत्म, ये बचा ना, इसके तो चटनी निकाल देंगे। बहुत वाट लगेगी इसकी, बहुत पिटे गए। किधर है छोटू? अभी घुटने पे बिठाया, अभी छोटा करेंगे फिर खत्म कर देंगे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार, सारे के सारे यहाँ पे मर चुके हैं। चलो ब्लू प्रिंट्स लेके निकलते हैं फटाफट यहाँ से। We're in. Find some time bridge blueprints.
तो अंदर आ चुके हैं अभी हम फैसिलिटी के, और हमें यहाँ से नीचे जाना है और ब्लूप्रिंट्स लेके निकलना है। What do you think Monica's using this time bridge for? I don't know. She mentioned years of scientific progress. She's accelerating something. Passing it back and forth through time. It's the what that keeps me up at night. And how's Clint involved? She keeps secrets like that close. Okay, we grab what we can, then wipe their servers. Monica can't be allowed to make another one. Agreed. Let us know when you're ready. All right, we're in. Find the control hub. Jarvis should be able to access AIM's network and search for the plans. Strange. They're locked behind a firewall, but there are multiple records of an X element. I know that name. It was some mystery project we shut down in one of Monica's labs. I still don't know what it actually is. Oh, good. That's fun. तो भाई लोग अभी हमें पता लगा है किसी एक्स प्रोजेक्ट के बारे में जिसपे मोनिका काम कर रही थी सीक्रेटली, और यहाँ से हमें फायरवॉल के पीछे से लेकर निकलना होगा फाइल को। और कोई है या सब मर गए? चलो अब चलते हैं। लेजर अटैक कर रही है गाइस, बट लेजर से बच के आ गए। अब यहाँ पे हमें थोड़ी देर एक्सेस करना होगा। A proximity hack should get me into the system, but you'll need to stay within its range. Hold position, stand ground, consider it done, Mr. Jarvis. तो अभी हमें यहीं पे रुकना होगा ताकि जार्विस हैक कर सके इनका सिस्टम। How's it looking, Jarvis? This data center is heavily secured. I'm afraid I'll need more time than anticipated. तो भाई जार्विस को थोड़ा और वक्त चाहिए ताकि वो एंटिसिपेट कर सके, और मुझे लगता है हेल्थ डाउन है तो हेल्थ रिवाइव करो, रिवाइव करो जल्दी 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 गाइस। चलो रिवाइव हो चुके हैं, और अभी हमें यहाँ से इन सब रोबोट को तोड़ना होगा जिससे कि हम फैसिलिटी के अंदर जा सकें, और जो हमारे कोड हैं या ब्लूप्रिंट्स हैं जो भी हमें यहाँ लेने आए हैं वो लेकर निकलते हैं। चलो हेल्थ लेते हैं। रोबोट्स को भी मारना है और यहाँ डेटा को भी लेना है। मुझे लगा ही था कोई सिंसियरिटी यहाँ आ गया होगा।
चलो मार दिया सिंथेट को। और ये यार ये जो लेजर मारते हैं ना ये बेकार है। तो लगभग हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के करीब। 80% हो चुका है गाइस। हल्क स्मैश कर रहे हैं और यहाँ से ये बंदा आप पे अटैक कर रहा था। और ये क्या बड़े से सिंथेट आ चुके हैं यार, यहाँ पे इन सबको तोड़ना होगा। अब पीछे से अटैक कर रहा था। ये ले ये ले। डाउनलोड कंप्लीट। अपलोडिंग सर्वर वायरस। वाइपिंग रिकॉर्ड्स। रिसीविंग द ब्लूप्रिंट्स नाउ। ओके, वी गॉट व्हाट वी नीडेड। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। राइट बिहाइंड यू। तो इसी के साथ हमारा मिशन हो चुका है कंप्लीट। तो गाइस अभी बहुत ज्यादा कमाल हो चुका है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस एपिसोड में क्या हुआ। हमने सारे के सारे फाइल्स ले लिया जिससे हम टाइम ब्रिज बना सकें। Powering it is another story. I'm guessing you mean more than a few double A's. Yeah, Monica's machine runs on Cavorite. Last I heard, S.H.I.E.L.D. had the remaining stockpile. We'll check in with Commander Hill. Maybe she can help us out. Thanks. Let me know when you have it. I'll get things started here. तो गाइज अभी क्या हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया है अभी अपने आप को और हमें ब्लूप्रिंट्स मिल चुके हैं जिससे कि हम वो टाइम ब्रिज बना सके और अपने क्लिंट को, प्यारे क्लिंट को वापस लेके आ सके और मोनिका को मार सके। तो अभी उसके लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए जो कि शील्ड के किसी साइट पर रखे हुए हैं और अभी हमें वहाँ से लेके आने हैं, फिर डॉक्टर पिम को देने हैं। तो वो चीज़ हम करेंगे गाइज अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही अपनी नई वीडियो में एक कमाल की स्टोरी लेके। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल। और हाँ यार गाइज एक बात और लास्ट में बोलना भूल गया कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं ना भाई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप लोग यहाँ तक आए ना गाइज तो सच में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो क्योंकि चैनल पे डेली बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड लव यू ऑल।